हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही तीखी चटपटी मजेदार मैगी की रेसिपी। बिल्कुल खिली खिली ड्राई मैगी हम बनाएंगे और वो भी बिना सब्जियों के बनाएंगे। तो आप सभी की डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूँ ड्राई मैगी की रेसिपी। इसको बिना सब्जियों के झटपट से हम बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेगी, मजे की बनेगी और बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसको उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। वैसे तो उंगलियों से हम इसको नहीं खाते, खाते तो फोक से हैं, पर अगर ये हाथों में अगर आपके लग जाएगी तो बहुत ही मजा आएगा आपको खाने में। सिंपल सी मैगी है पर झटपट से बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं मैगी के 2 पैकेट, उससे हम यहाँ पर मैगी बनाने वाले हैं। आपको क्या करना है, लेना है कोई पैन या बर्तन और उसमें डालना है 3 कप पानी। 3 कप पानी डालकर अच्छे से उसको उबाल लेना है। पानी जैसा ही हमारा उबलने लगेगा, उबलना शुरू होगा, वैसे ही हम इसमें मैगी के पैकेट्स तोड़कर डाल देंगे। तो 2 मैगी के लिए यहाँ पर 2 मैगी नूडल्स के केक्स हैं जो मैंने लिए हैं। हाथों से इसको चाहे तो हल्का हल्का तोड़ भी सकते हैं। तो पानी आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो हम इसमें मैगी के केक्स डाल देते हैं। आप इसी प्रोसेस को अगर 1 मैगी के पैकेट से बना रहे हैं तो उस केस में आप इसमें 1.5 कप पानी डालें और 1.5 कप पानी में आप मैगी को उबाल दें। वैसे यहाँ पर हमें मैगी को सिर्फ उबालना है, हल्का सा इसको ब्लांच करना है। 2 से 3 मिनट आप इसको ब्लांच कर लें, यानी कि मैगी को हमें लगभग 60 से 70% ही कुक करना है। तो उस केस में आपको पानी अगर कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैगी देखिए हमारी यहाँ पर बॉईल हो रही है, फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है और जैसे ही ये 60 से 70% हमारी कुक होएगी वैसे ही हम गैस को ऑफ कर देंगे। तुरंत से हम इसको छलनी में छान कर निकाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो पाए और तुरंत से ही हम इसमें नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो इसकी कैरी ओवर कुकिंग है, जो इसकी हीट है, उसको हम कम कर सकें। तो छलनी में डालने के बाद में तुरंत से मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। आप इसी काम को नल के नीचे भी कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखाया है। अच्छे से एक बार मिक्स कर ले हल्के हाथों से। आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यानी कि इसका पानी जैसे ही पूरा निचोड़ता है आप मैगी बनाना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेट में थोड़ा सा फैला लीजिए। यहाँ पर प्लेट में मैंने पहले से ऑयल लगा कर रखा है और इसको आप इस तरह से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे सुखा देंगे तो आपकी मैगी और भी ज़्यादा खिली खिली एकदम ड्राई बनेगी। तो देखिए मैगी बनाना शुरू करते हैं तो कोई भी पैन या कढ़ाई लेकर उसमें डालें 1/2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को गर्म करके इसमें डालें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, यानी कि जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है वो मिर्च हमें डालना है, कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर तुरंत से मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे, यानी कि मसाले जलने ना पाए, क्योंकि लाल मिर्च बहुत जल्दी जलती है, साथ ही हल्दी पाउडर भी कलर खराब कर देगी अगर ये जल जाएगी। तो दोनों ही मसालों को लो फ्लेम पर या लो मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करने के बाद में तुरंत से मैगी इसमें डाल देना है और हमें टॉस करते जाना है। तो इस तरह से बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, फाइनली हमारी मैगी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसमें डालने हैं मैगी मसाला मैजिक जो मैगी के साथ आता है। तो इस तरह से जो ड्राई मैगी है, खिली खिली मैगी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखिए अब इसमें हम डाल देंगे मैगी के 2 टेस्ट मेकर, साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी जरूर ऐड करेंगे। जब आप इसको बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, वैसे तो जो टेस्ट मेकर होता है उसमें भी सॉल्ट होता है पर आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। तो 1/2 टीस्पून के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। 2 पैकेट है तो मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच डाला है, 1/2 चम्मच। आपको जितनी जरूरत लगे उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। तो आप एक बार टेस्ट करके देख लें, पहले आप इसमें 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून डालें, एक बार टेस्ट करें, अगर आपको कम लगे तभी आप इसमें बढ़ाएं। अच्छे से बस मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर हमारी ड्राई मैगी बहुत ही चटपटी मज़ेदार स्पाइसी मसाला मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैगी विदाउट वेजिटेबल्स, कोई सब्जियों का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी इसको बना सकता है, सिर्फ आपको चाहिए मैगी। तो मैगी बाजार से लाकर आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इससे मैगी ऑमलेट भी बना सकते हैं, मैगी पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, मैगी सैंडविच भी बना सकते हैं। बहुत सारी मैगी की रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो फिलहाल तो आप मेरी ये मैगी की रेसिपी ज़रूर बनाएं, बहुत पसंद आने वाली है आपको। आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, एकदम खिली खिली बनेगी और सभी इसको मज़े लेकर खाएंगे। तो बनाकर ज़रूर देखिएगा मेरी ये ड्राई मैगी। कलर देखिए आप इसका कितना प्यारा आया है और इसका जो एक एक नूडल है वो बिल्कुल खिला खिला बना है। तो मैं तो जा रही हूँ इसको इंजॉय करने, आप ही अपने घर में इसको ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और भी बहुत सारी मैगी की रेसिपीज़ हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चाइनीज़ मैगी है, ड्राई मैगी है, मैगी मसाला, बहुत सारी मैगी की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद अ न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू।